अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में प्रैक्टिकल नंबर 10.3 परफॉर्म करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है स्टैंडर्डाइज द गिवन एचसीएल सॉल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली। स्टैंडर्डाइजेशन एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम किसी भी सॉल्यूशन की एग्जैक्ट कंसंट्रेशन या मोलैरिटी को फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए जो हमें अपरेटस चाहिए उनमें ब्यूरेट शामिल है, कॉनिकल फ्लास्क शामिल है, पिपेट शामिल है, फनल चाहिए, इसके अलावा बीकर्स और आयरन स्टैंड चाहिए। केमिकल्स जो हमें इनके लिए चाहिए उनमें 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, सोल्यूशन चाहिए हमें HCl का जिसकी मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, फिनोफ्थलीन चाहिए। फिर अपरेटस डिस्कस कर लेते हैं, हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन चाहिए जिसकी मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन चाहिए, फिनोफ्थलीन एज एन इंडिकेटर चाहिए, इसके अलावा कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, फनल चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, हमें पिपेट चाहिए, पिपेट के अलावा जो है वो ग्लास रोड चाहिए, ठीक है, और हमें जो है वो आयरन स्टैंड चाहिए और ब्यूरेट चाहिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसके कितने मोल हैं, 1 मोल, तो N1 1 मोल के बराबर आएगा, और बेस के कितने मोल हैं, 1 मोल, सो N2 हमारे पास 1 मोल के बराबर आएगा। मोलर रेशियो क्या आएगी हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की, 1:1। स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमने क्या लिया था, 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन लिया था। इंडिकेटर क्या था हमारे पास, फिनोफ्थिलीन, और एंड पॉइंट क्या आया था, कलरलेस या लाइट पिंक। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने कॉनिकल फ्लास्क में डिस्टिल्ड वाटर डालना है, उसको अच्छे से वॉश करना है। फिर हमने कॉनिकल फ्लास्क को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से भी वॉश करना है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर से वॉश किया था, तो एज अ रिजल्ट जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था तो क्योंकि उसमें वो सही से वॉश नहीं हुआ था तो हमारे पास कलर पिंक आ गया था, तो इसीलिए हमने पहले कॉनिकल फ्लास्क को डिस्टिल वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन दोनों से वॉश करना है। फिर आपने पिपेट लेनी है, आप देखिए पिपेट में 10 cm³ ब्रीडिंग है, ठीक है, सो पिपेट में 10 cm³ तक वॉल्यूम आ सकता है, तो आपने पिपेट में 10 cm³ से ज़्यादा वॉल्यूम सक करना है, और सक आपने बहुत एहतियात से करना है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करना है, क्योंकि केमिकल्स हैं, केमिकल्स नुकसान पहुँचा सकते हैं। आपने एक्सपेरिमेंट ग्लव्स पहन के करना है, ठीक है, आपने थंब रख के सबसे पहले जो है जैसे ही आपने 10 cm³ से ज़्यादा वॉल्यूम सक करेंगे तो आपने थंब रख के आस्ता से रिलीज़ करना है और 10 cm³ तक वॉल्यूम लेना है, ठीक है, और उसको आपने कॉनिकल फ्लास्क में डाल देना है। सो अब आप देखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसकी मोलरिटी 0.1 mm है, हम उसका सोल्यूशन सक कर रहे हैं पिपेट में, तो अब आप देखें ये पिपेट में सक किया है और ये थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो हमने सक किया है 10 cm³ के मुकाबले में, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, थंब हमने रखा हुआ है उसको रिलीज़ करेंगे आहिस्ता से, सो जैसे ही 10 cm³ वॉल्यूम आएगा, आप देख सकते हैं 10 cm³ वॉल्यूम आया, तो हम उसे कॉनिकल फ्लास्क में डालेंगे, वो कॉनिकल फ्लास्क जिसको हमने डिस्टिल वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन दोनों से वॉश किया था, ठीक है। सो आपने 10 cm³ वॉल्यूम डालना है। अब आपने ब्यूरेट लेनी है, ब्यूरेट में आपने सबसे पहले डिस्टिल वाटर डाल के उसको वॉश करना है, ठीक है, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन डाल के भी आपने वॉश करना है, उसके बाद आपने फनल रखनी है, और फनल में आप फनल रखने के बाद आपने फनल के ज़रिए जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन जो है वो आपने ऐड करना है। सो ब्यूरेट को भी आपने पहले डिस्टिल वाटर और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन से वॉश करना है, ताकि हमारे पास एक एग्जैक्ट जो प्रैक्टिकल रीडिंग है वो हमारे पास आए, ठीक है। सो ये आप देखें, वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे, फनल रखेंगे और अब हम फिल कर रहे हैं ब्यूरेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन के साथ। 100 cm³ तक हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन जो है वो हमने फिल करना है ब्यूरेट में। सो आप देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए लाजमी तौर पे आपने ग्लव्स पहने हैं, ठीक है। अब आप देखें कि ये जो ब्यूरेट है इसके अंदर 100 cm³ तक का जो वॉल्यूम है वो आ सकता है, सो हम 100 cm³ वॉल्यूम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो इसमें फनल के ज़रिए ऐड कर रहे हैं ब्यूरेट में। सो आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो ऐड कर लिया 100 cm³ के मुकाबले में। तो हम क्या करेंगे, ब्यूरेट का जो टैब है
उसको हम खोलेंगे, ठीक है, और हमने एग्जैक्ट 100 सेंटीमीटर की वॉल्यूम चाहिए, सो हम ब्यूरेट का टैप खोलेंगे और जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर कोई बबल होगा तो वो भी रिलीज़ हो जाएगा। सो ब्यूरेट में हमारे पास जो है आप देखें 100 सेंटीमीटर क्यूब तक वॉल्यूम फिल हो चुका है, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो उसका जो लेवल है वो किधर है, 0 सेंटीमीटर क्यूब तक। सो अब आपने क्या करना है, आपने कॉनिकल फ्लास्क में 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन लिया था उसमें आपने फिनोफ्थलीन जो इंडिकेटर है उसके ड्रॉप्स डालने हैं, 2 to 3 ड्रॉप्स, ठीक है। जैसे ही हम डालेंगे पिंक कलर आ जाएगा। सो आप देखें पिंक कलर जो है वो हमारे पास आ गया है। हमने जब कॉनिकल फ्लास्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में फिनोफ्थलीन एज एन इंडिकेटर डाला है। अब हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे इस कॉनिकल फ्लास्क में जिसमें पहले से सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन और फिनोफ्थलीन इंडिकेटर मौजूद हैं, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता से हमने ऐड करना है और तब तक करना है जब तक हमारे पास एंड पॉइंट जो है वो कलरलेस हमारे पास सोल्यूशन ना हो जाए, ठीक है। सो ड्रॉप वाइज ड्रॉप हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमारे पास एंड पॉइंट आएगा हम फौरन से स्टॉप कर देंगे। सो आप देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे जैसे ऐड होता जा रहा है, जो पिंक कलर है वो आस्ता आस्ता कम होता जा रहा है, डिस्चार्ज होता जा रहा है। सो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन ऐड करने से क्या हो रहा है, पिंक कलर डिसअपीयर हो गया है, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, एंड पॉइंट है, हमने वॉल्यूम नोट ऑन कर लेना है। सो आप देखें 10 सेंटीमीटर क्यूब तक जो है वो वॉल्यूम यूज़ हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग में ज़ीरो पे था ना, इनिशियल रीडिंग हमारे पास ज़ीरो थी और 10 सेंटीमीटर क्यूब तक जैसे ही वॉल्यूम पहुंचा तो हमारे पास एंड पॉइंट आ गया, तो ये हमारे पास फर्स्ट रीडिंग है। इसी तरह हमने 3 रीडिंग लेनी है, ठीक है। हम इनिशियल वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब रखेंगे और फाइनल हमारे पास 20 आएगा, फिर हम थर्ड रीडिंग में इनिशियल वॉल्यूम 20 रखेंगे, फाइनल 30 आएगा। सो हमने प्रैक्टिकल के दरमियान जो ऑब्जर्व रीडिंग की थी हम उसको डिस्कस करेंगे। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम कितना लिया था, 10 सेंटीमीटर क्यूब लिया था कॉनिकल फ्लास्क में, और मोलैरिटी कितनी थी, 0.1 m। वॉल्यूम एसिड का हमने कितना यूज़ किया है वो हम कैलकुलेट करेंगे, और मोलैरिटी HCl की कितनी है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हमने ब्यूरेट में जब लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमारे पास इनिशियल रीडिंग 0 सेंटीमीटर क्यूब थी, फाइनल रीडिंग 10 सेंटीमीटर क्यूब थी, तो वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना आया हमारे पास, 10 सेंटीमीटर क्यूब। फिर जब आप दूसरी रीडिंग लेंगे तो आप इनिशियल वॉल्यूम रखेंगे 10 सेंटीमीटर क्यूब, और जैसे ही एंड पॉइंट आएगा तो आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम आपके पास आएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो इनका डिफरेंस आप निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। फिर आपने थर्ड रीडिंग के दरमियान जो है वो आपने क्या करना है, इनिशियल रीडिंग थर्ड रीडिंग में आपने जो लेनी है वो आपने 20 सेंटीमीटर क्यूब लेनी है, और जैसे एंड पॉइंट आएगा आप देखेंगे वॉल्यूम यूज होगा 30 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप इनका डिफरेंस निकालेंगे 10 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आंसर आएगा। तो 3 रीडिंग का जो आपके पास आंसर आएगा उसकी आपने मीन वैल्यू निकालनी है। सो मीन वैल्यू जो है आपके पास वो कैसे आएगी, सम ऑफ क्वान्टिटीज़ डिवाइड बाई नंबर ऑफ क्वान्टिटीज़, 10 + 10 + 10 डिवाइड बाई 3, ठीक है। सो आपके पास मेन वॉल्यूम आ जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो यूज़ हुआ था, ठीक है। सो 30 / 3 तो आपके पास कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, एसिड के लिए m1 v1 / n1 होता है और बेस के लिए m2 v2 / n2। इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, m1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम कितना यूज़ हुआ है अभी हमने फाइंड आउट किया है 10 सेंटीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 1, इसी तरह बेस हमने जो ली थी उसका उसकी मोलैरिटी कितनी थी 0.1, और वॉल्यूम कितना लिया था कॉनिकल फ्लास्क में 10, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 1। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.1 m जो है वो मोलैरिटी आएगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन की। तो रिजल्ट क्या आया कि हमने जो सॉल्यूशन लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्योरेट में उसकी मोलैरिटी कितनी थी 0.1 m।